दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेत राम है। दादा क्या घटना हुई है? एक बच्चे हमारे घर में खाना बना रहे थे, रिश्तेदार आए थे लेवाने के लिए लड़की को, तो सिलेंडर फट गया है, उसमें झुलस गई है बुरी तरह से। कितने लोग झुलसे हैं? सात लोग, सातों औरत थे एक ही परिवार की। फिर कहाँ लेके आए? हम यहाँ महोबा लेके आए, महोबा वालों ने उन्हें झांसी रेफर कर दिया। तो जो लड़की की बेदादी, क्या वो भी झुलस गई? हाँ वो अभी बुरी तरह झुलस गई, सब बुरी तरह झुलस गई हैं। कब की शादी थी? शादी हुई थी 9 फरवरी को, कहाँ हुई थी? ये हुई थी गनौठा में। आज आज क्या प्रोग्राम चल रहा था? आज वो लेवाने आए थे दोबारा ससुराल वाले? ससुराल वाले, तभी खाना बना रही थी। किस गांव की घटना? ये सिरसी कला माजत हो थाना खन्ना जिला महोबा। जो गैस सिलेंडर था, जैसा सूचना मिली है कि उस पर जो है वो भोजन बन रहा था, उसके हिसाब से तो उसमें प्रॉपर जो हमारे विभाग को सूचना प्राप्त हुई है उसमें नियमानुसार देखा जा रहा है कि क्या चीज़ें सही थी, लेकिन जो घटना हुई है वो उसके आधार पर एकदम तेजी से कार्रवाई की गई और यहाँ पर फर्स्ट एड और व्यवस्थाएं करते हुए सीधा झांसी को रवाना किया गया है और वहाँ पर भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। खन्ना की घटना है और थाना खन्ना में ग्राम माझा है, उसमें उसका मजरा है सिरसी कला। यहाँ पे कोई शादी के बाद के समारोह का आयोजन किया जा रहा था और जिसमें आज सुबह ब्लास्टिंग हो गई सिलेंडर में, जिसमें 7 महिलाएं जो हैं वो जल गई हैं। महिलाओं को फर्स्ट एड के बाद यहाँ से रेफर किया गया है झांसी के लिए और झांसी में इलाज की व्यवस्था उनकी कराई जा रही है। मैम क्या नवविवाहिता भी इसमें घायल हुई? जी हाँ, जो नवविवाहिता थी जिसकी शादी अभी लगभग 10 दिन पहले हुई बताई जा रही है, उसकी विदाई का ही समारोह था, वो भी घायल हुई है। इसमें 20 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक की लगभग की महिलाएं, 7 महिलाएं इसमें घायल हुई।